असी जिहड़ा मंग पत्र दिता जी उहदा साडा मकसद ये है कि तुसीं पिछले दिनों च देखिया होगा कि एक बठिंडे घटना वापरी सी कि एक नौजवान बच्चे नूं पेपर देण जा रहा सी ते सेंटर दे बाहर उन्हूं रोक लिया गया ते उन्हूं कहा गया कि कड़ा उतार दे ते उस तो बाद एक घटना वापरी कि सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी दिल्ली मैट्रो ते सफ़र करन लगे ते इन्होंने जिहड़ी अज गात्रे कृपान पाई हुई है ये पा के इन्हों मैट्रो ते नहीं बैठन दिता गया। संविधान जिहड़ा है उहदा आर्टिकल 25 ये राइट दिंदा कि ए सिख परसन कैन कीप एंड कैरी कृपान कि वो सिख जिहड़ा है वो कृपान रख भी सकता ते पहन के जा भी सकता ते कैरी भी करदा कर सकता ते उस राइट नूं भी इनफ्रिंज किया गया सी। इहदियां सारियां कंप्लेंट्स वख-वख जगह ते दित्तियां अज सारे पंजाब दे अंदर सारे डिप्टी कमिश्नर्स नूं पंथक तालमेल संगठन जिहदे कन्वीनर सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी ने इन्हां दी अगवाई च सारे पंजाब च असीं अज मंग पत्र दित्ते ने। दो मंग पत्र ने साडे, एक मंग पत्र है डीसी राही भगवंत मान जी नूं जिहड़े मुख्यमंत्री ने पंजाब दे ते एक है गृह विभाग नूं जिहड़ा भारत सरकार दा गृह सकत्तर नूं। दो मंग पत्र असीं दित्ते ने कि ये जिहड़ियां घटनावां बार बार वापरदियां मैनूं अज ही मैं कल किसी नूं कॉल कर रहा सी दस रहे सी कि अमृतसर च जेई दा पेपर सी ते उहनां दे बच्चे दा कड़ा लवा लिता गया बाहर। इदां दीआं घटनावां हर थां वापर रहीआं ने ते दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनां च इक फैसला दित्ता कि कृपान कड़ा या पगड़ी दस्तार किसी नूं उतार जिहड़ी है सेंटर च या कितें भी उतारी नहीं जा सकती उहदे हवाले नूं भी असीं इहदे च मंग पत्र च पाया ते असीं इह कहना चाहुंदे हां तुहाडे राहीं भी पहुँचाना चाहुंदे हां असीं चिट्ठी पत्र राहीं भी पहुँचा रहे हां कि इह जे कोई इदां दी कोताही करदा कि कितें कड़ा उतरवाउंदा है कृपान उतरवाउंदा है ते उहदे ते परचा दर्ज किया जाए 295 ए दा कि उह सिख भावनावां नूं जिहड़ा है वह हर्ट कर रहा उहनां दी उलंघना कर रहा दुख पहुँचा रहा इहनूं उस दायरे दे विच जिहड़ा उह लिआंदा जाए ते सरकार अपने वल्लों इहदे ते सर्कूलर जारी करे भारत सरकार भी ते पंजाब सरकार भी कि इदां दी घटना जिहड़ी है वह कदे भी किते भी जिहड़ी है वह नहीं वापरेगी। सारे जिले के मुखियां नूं सारे इंस्टीट्यूशन के मुखियां नूं एक सर्कूलर जारी होना चाहिए। अज साडा मंग पत्र रही है तां सर पूरे पंजाब दे अज सारे पंजाब के अंदर ईवन चंडीगढ़ च भी जिहड़ा है वह ये मंग पत्र दिते गए ने। ये असी जिहड़ा इस करके सारे बन्ने ये आवाज़ हमेशा ही दबी रह जाती सी क्योंकि कल्ले दुकल्ले नाल घटना वापरती है ते मापे बच्चे डर जाते हैं तो वापसी कुछ कर नहीं पाते क्योंकि बच्चों के भविख का सवाल होंदा। असी अज सारे लई सारे वो दुखी मां प्यो लई सारे वो चंगे सिखां जिन्हां नाल घटनावां वापरदियां उन्हां दा दर्द नूं समझदे होए असी ये जिहड़ा मेमोरेंडम दित्ता। ठीक है ठीक है।
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵਿਊ ਆਉਣ ਦਿਓ ਵੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ये बहुत ही दुख नाल कहना पवेगा कि पंजाब एजुकेशन बोर्ड ते 1993 तो लैके हुण तक जिन्नियां भी सरकारां आईयां इन्हां सारियां सरकारां दे टाइम दे विच जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब प्लस टू दे बच्चों नूं किताबां पढ़ाईयां गईयां ने वो सिख धर्म नूं मुढ़ों रद्द करके गुरु तेग बहादुर पातशाह बारे बहुत गलत जिहड़ा इतिहास नूं त्रोड़ मोड़ के लिखा गया बाबा बंदा सिंह बहादुर बारे बहुत माड़ी शब्दावली जिहड़ी है इन्हां किताबां च लिखी गई है और इन्हां किताबां च मैं लगातार 2017 तो लैके ये लड़ाई लड़दा आ रहा और 2017 च किताबां बैन हो गईयां सी उस तो बाद किताबां फिर पबलिश भी हुंदियां रहियां लिखारी लिखते रहे पबलिश हुंदियां रहियां दुकानों तो वेखदी रही तो स्कूलों के जोड़े बच्चे से वो पढ़ते रहे पर अफसोस के 2022 के दूजी बार फिर धरना लाना पाया और चार महीने साडा एजुकेशन बोर्ड के अगे धरना चलिया और किताबों के संबंध में FIR भी हो गई लेकिन वो किताबा अज भी तुम देखते हो कि असी एक महीने तो लगे स और ये गल मैं कहने तो गुरेज नहीं करांगा कि जिस तरह ये मास्टर बनवारी लाल जी ने ते ये सब तो पहला इन्हां ने मैनू ये दस्या कि जिहड़ियां सरसा जी आपां किताबां रोक लवाई आ वो किताबां तां अज भी जिहड़ियां ने मार्केट च विक रहियां ने ते ये लिखियां जा रहियां ने फिर इन्हां दे दसण ते फिर असी वख-वख दुकानां तों करीब असी महीने डेढ़ महीने तो लगे हुए हाँ और वख-वख पंजाब दे शहरां चों तो जिहड़े किताबां दे विक्रेता ने उन्हां कोलों ये किताबां खरीद चुके हैं जिवें कि अज असी आ कस्तूरी लाल एंड संज जिहड़े अमृतसर आ कैरो मार्केट दे लागे आ इन्हां दे कोलों असी आ जिहड़ा ये बिल लै के ये जिहड़ियां किताबां ने ये खरीदियां ने और इहदे विच किताबां पुरानियां ते नवीआं दोवें किस्म दीआं किताबां जिहड़ियां ने वो अज विक रहीआं ने जिहड़ियां इतिहास नूं त्रोड़ मोड़ के ते इस करके असी इत्थे जिहड़ा ये धरना जथेदार साहब नूं पहला असीं मिल चुके हाँ प्रधान श्रोमणी कमेटी नूं मिल चुके हाँ लिखती दरखास्तां दे चुके हाँ तो इत्थों तक है कि जिहड़ा जथेदार अकाल तख्त है उन्हां नूं असीं होर भी इतिहास के संबंध में श्रोमणी कमेटी खुद वालों जिहड़ियां गुरु साहिबां नूं चोर डाकू कातल नौकरानी के पेटो बच्चे जमन वाले दस के किताबां लिखियां श्रोमणी कमेटी का खुद कर रही है तो जथेदार मैं ये दुख नाल कहांगा कि जथेदार अकाल तख्त जिहड़ा है इहदी अपॉइंटमेंट जिहड़ी आ उह श्रोमणी कमेटी करदी आ तो श्रोमणी कमेटी ते जिहड़ा गलबा है वह प्रकाश सिंह बादल दा है तो प्रकाश सिंह बादल जिहड़ा है वह RSS दा इक विंग बन चुका है जिस करके सारा सिस्टम साडा विगड़िया इस कारण है कि यह पंजाब स्कूल बोर्ड वालों भी ये किताबा जिहड़ियां ने नोटिफाई होकर ये किताबा स्कूलों च पढ़ाईया जा रही ने
और लिखन लेखक जिहड़े वो लिख रहे आ, पबलिशर पबलिश कर रहे आ, विक्रेता वेच रहे ने, ते इहदे विच पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का जिहड़ा डिपार्टमेंट है सारा, जिस तरह के चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड का जिहड़ा चेयरमैन है मौजूदा चेयरमैन योगराज वो भी दोषी है, और सिक्ख्या सकत्तर भी इहदे नाल सारा हमला फैला जिहड़े आ इह सारे दे सारे दोषी ने, ते जिन्ने भी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट दे नाल सैकटरी वगैरह ने सारे दोषी ने, जिन्हां दी मिली भुगत नाल ये किताबां जिहड़ियां ने लिखियां जा रहियां ने ते पबलिश हो। देखो असी ये मीडिया के राही तो लिखती एप्लीकेशन दे के इतों का क्या भी ये असी एफ आई आर तो दर्ज करा चुके हैं, जिस तरह के एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर अगर जो धरना चलिया थाना मोहाली दे विच मोहाली शहर दे विच जिहड़ा के क्राइम का थाना है, उस थाने दे क्राइम थाने दे विच जिहड़ा एफ आई आर नंबर एक जिहड़ी आ वो 2022 दे विच दर्ज है, और कोर्ट दे विच दोषियां ने पहला ही जमानत करा लिया, सो असी सारयां तक पहुँच करांगे, असी केंद्र सरकार तक भी करांगे, और सब तो वड्डी गल है कि असी पहला भी धरना लाया सी तो हुण भी असी जिहड़ियां सिख जथेबंदियां जिस तरह के सारियां इत्थे आईयां ने किसान जथेबंदियां उन्हां सारियां रह करके, और मैं भी तुहानूं दस दिया कि परसों साडी इक कर्नाटका दे विच भी किसान जथेबंदियां दी मीटिंग हो रही है, और वह किसान जथेबंदियां जिहड़ियां खास करके साउथ वगैरह दियां ने वो ये गल कहिंदे ने कि जिहड़ा पंजाब दा इतिहास आ इस इतिहास की बदौलत ही ये जिहड़े मोर्चे जिहड़ा सी वह दिल्ली तख्त के खिलाफ जिहड़े इन्हां ने काले कानून बनाए सी ते ये पंजाब दे इतिहास करके ही ये मोर्चा लग्या सी, ते वो भी चिंतित ने कि पंजाब दा इतिहास जिहड़ा ये बिगड़ना नहीं चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर है कि होर है जी कड़ा ककार कड़ा कृपान कृपान तो साडा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 25 तो पता ही है थले साडे कोल राइट है टू कैरी एंड कीप द कृपान, ते लेंथ भी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। पिछले दिन दिल्ली च सिंह साहब जी भी मैट्रो ते कात्रे कृपान नाल रोक लिया सी, असी उस तो बाद चिट्ठी पत्र नोटिंग कमीशन नाल भी कीता सी, पर असी चाहते हाँ कि इहदे उत्ते पक्का एक सर्कुलर या इहनूं 295 ए दी उहदे च इंक्लूड कीता जावे कि जे कोई भी किते भी तुसीं तुहानूं याद होए पिछे बठिंडे एक बच्चे का कड़ा लवा लिया एग्जामीनेशन सेंटर तो अंदर जाण लई कि कड़ा नहीं पा के जा सकदे, है ना, मतलब कड़ा ना तो किसी उहनूं कोई पर्ची कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं नीट के उत्ते दिल्ली। तो माइक पीछे कर लो, माइक पीछे कर लेना यार, थैंक यू। अज असी जिहड़ा मंग पत्र दिता जी उहदा साडा मकसद यह है कि तुसी पिछले दिनां च देखिया होएगा कि एक बठिंडे घटना वापरी सी कि एक नौजवान बच्चे नूं पेपर देण जा रहा सी ते सेंटर दे बाहर उहनूं रोक लिया गया ते उहनूं कहा गया कि कड़ा उतार दे, ते उस तो बाद एक घटना वापरी कि सिंह साहब ज्ञानी केवल सिंह जी दिल्ली मैट्रो ते सफ़र करन लगे ते इन्होंने जिहड़ी अज गात्रे कृपान पाई हुई है ये पा के इन्हां नूं मैट्रो ते नहीं बैठन दिता गया, संविधान जिहड़ा है उहदा आर्टिकल 25 ये राइट दिंदा है कि ए सिख परसन कैन कीप एंड कैरी कृपान कि वो सिख जिहड़ा है वो कृपान रख भी सकदा ते पहन के जा भी सकदा ते कैरी भी करदा कर सकदा,
ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫਰਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਡੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ। ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ JEE ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੜਾ ਲਵਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ ਜਾਂ ਪਗੜੀ, ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੜਾ ਉਤਰਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਰਵਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 295A ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।